सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी गलती उजागर हुई है। कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा के बाबत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि कल अमेठी में नामांकन के दौरान राहुल गांधी के चेहरे पर लेजर लाइट दिखी थी। चिट्ठी में कांग्रेस ने लिखा कि राहुल गांधी SPG प्रोटेक्टेड है। कल राहुल गांधी नामांकन पत्र भरने के बाद जिस समय मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उसी समय उनके चेहरे पर एक हरे रंग की लेजर लाइट देखी गयी। राहुल के चेहरे पर 7 बार लाइट दिखी। कांग्रेस ने राहुल की दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए गृह मंत्री को सुरक्षा में लापरवाही को लेकर ये चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़े रोड शो के बाद अमेठी में नामांकन किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। कांग्रेस ने पत्र में लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 21 मई 1991 में पेरुवंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। वो भी चुनाव का दौर था। कांग्रेस ने इस घटना की फोटो पेन ड्राइव में उपलब्ध कराई है। पत्र में कहा गया कि वो बहुत छोटे अंतराल पर 7 अवसरों पर उनके सिर पर लेजर लाइट देखी गई। इसमें 2 बार उनके ललाट को निशाना बनाया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि फौरन इस मसले पर ध्यान दिया जाए, राहुल की सुरक्षा भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।